भारत में लॉकडाउन है और हम अपने ईश्वर के भवन अर्थात गिरजा में शरीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए छोटा सा प्रयास है, हम अपने घरों में क्रूस के रास्ते को स्मरण करें को करते हुए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का याद करते हैं। प्रभु के दुख भोग का स्मरण, क्रूस रास्ता संचालक। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई वालों को उत्साहित करने और भरे लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोलिए। पछतावे की विनती, हे मेरे ईश्वर, जो मेरे कितने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि पुत्र कृपा से तेरा अपराध कभी न करूँगा और पाप के जोखिम से दूर रहूँगा, आमीन। इस बात पर भी विचार कीजिए कि इसके लिए दंड मोचन कमाना चाहते हैं, अपने लिए या शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा न परंतु भलाई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, जन तुझ में और धन तेरी कृपा फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए हमारे अन्य समय, आमीन। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा की महिमा हो, जैसा राज में थे नाथ सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे विश्वासों की आत्मा है परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। क्रूस के पास से माता रोती, शोक से वाती व्याकुल होती, क्रूस पर यीशु को देखे। पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र से द्वारा हमें दुनिया बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उसको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। प्रार्थना, हे पूज्य यीशु, तेरे दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है, ऐसा करके मैं तुझसे फिर पर तुझे सदा प्यार करो और जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। गाना कर रहे हैं, उसका हृदय था गहरा था सो के मारे वहाँ मारता, क्रूस तलवार से दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्ता, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस से दुनिया बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस धोते धोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। प्रार्थना, हे प्राण पर यीशु, जो दुख कष्ट तुझे अपने मरण तक उठाने पड़े उसे मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ
इस धूप के पुण्य फलों द्वारा जिसको तूने क्रूस धोते समय उठाया मुझे सहायता दे, जिसे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस धोऊं। कैसी सोगी ओ बेचारी, कैसी दुखी थी वो नारी, इसे ताते की जननी। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लोहलुहान हो गया था, उसके सिर पर कांटों का मुकुट था, वह इतना निर्मल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। तिस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ उसके कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उसको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। प्रार्थना, हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, पहली बार गिरने के पुण्य फल द्वारा मुझे आत्मा मारो वहां से गिरने से बचा। कैसा तू का पीड़ा पाती प्रेमी माँ की पड़ती छाती, पूत पैदे काफी करनी। चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर प्रभु पुत्र और माँ की भेंट हुई। उसकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो प्रेमय हृदय को छेदती थी। प्रार्थना, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तूने इस भेंट में उठाना पड़ा मेरे हृदय में पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। आ तो मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं तेरे पुत्र के दुख भोग की याद करूं। कौन है निर्दय जो ना रोता, क्रीस की माता आज देकर उसको संकट में। पांचवां स्थान, सिरनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि रास्ते ही में ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको क्रूस यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। प्रार्थना, हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरी क्रूस ढोने में इनकार न करूँगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे कारण चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। कौन है जो ना सुख मनाता, देखता जब क्रीस की माता डूबी बुद्ध के सांडों में। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लोह से भरा हुआ है, उसको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उसका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। प्रार्थना, हे प्राण प्यारे यीशु,
पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और लोह के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्म पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तो इस सुंदरता को लौटा दे सकता है अपने दुख भोग द्वारा, ऐसा ही कर हे यीशु। क्रीस के तन पर गाँव थे कितने, मानव पाप के क्रूर खेल जीतने, माने आँखों देख लिया। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रीस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। प्रार्थना, हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा करके हम परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आओ। बेदिलासा वो मर जाता, सबसे पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा करके मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। क्रूस के सामने विनती, हे प्रभु यीशु, तू मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं, उनको उनके द्वारा मुझे अपने दास को जिस अपने अनमोल लहू के द्वारा बचाया सहायता दे। हे यीशु, कहा तू तक तूने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा ले। हे मनुष्य कुंज पिता के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। आमीन। क्रूस से प्रभु यीशु से विशेष प्रार्थना, हमारे पापों के कारण कलवारी के क्रूस पर जीवन त्यागे मेरे आराध्य एवं मुक्तिदाता, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझ पापी पर दया कर। हे यीशु के पवित्र क्रूस, तेरी छाया में मुझे ले ले। हे यीशु के पवित्र क्रूस, सभी बुराइयों से मुझे दूर रख। हे यीशु के पवित्र क्रूस, घातक हथियारों से मुझे दूर रख। हे यीशु के पवित्र क्रूस, बुरे विचार वचनों और कर्मों से मुझको हटा दे। हे यीशु के पवित्र क्रूस, मेरे शत्रुओं को मुझसे बचा। हे यीशु के पवित्र क्रूस, असब मृत्यु से मुझे बचा कर नया जीवन दे। कलवारी पहाड़ पर क्रूसित हे यीशु नाज़री, अब और जिंदगी के आखिरी पन्नों तक मुझ पर दया कर। आमीन।